हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्राचीन ओलंपिक खेल, एशियंट ओलंपिक गेम्स। दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हो चाहे अदर्स एग्जाम हो, तो कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे इस वीडियो में। प्राचीन ओलंपिक खेल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरी डिटेल में वर्णन किया जा रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कहीं दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ए टू जेड सभी टॉपिक समाहित किया गया है। तो चलिए जानते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में फुल डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रथम बार आयोजन कहाँ हुआ था, 776 ईसा पूर्व में। इससे पहले ही बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, बट सबसे विश्वसनीय विवाद रहित टॉपिक यही है, बात यह है कि 776 ईसा पूर्व में यूनान के राजा पेलपोस की प्रेरणा से यूनानी देवता गियस के सम्मान में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन ऑलरेडी बन जाते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन प्रथम बार कहाँ कब हुआ था, तो 776 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? यूनान में। और किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो राजा यूनान के राजा पेलपोस की प्रेरणा से हुआ था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में मनाया जाता था, तो जीएस देवता के सम्मान में, ठीक है ना। और इसका आयोजन मतलब कहाँ पे मनाया जाता था, तो ओलंपिया में। एक ओलंपिया नाम का एक स्थान था जहाँ पे ओलंपिक उत्सव मनाया जाता था, और इसी ओलंपिया के नाम पर प्राचीन ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक खेल पड़ा। और ये ओलंपिया कहाँ स्थित है इसको भी जान लेते हैं। ये ओलंपिया जो स्थान जहाँ पे ओलंपिक उत्सव मनाया जाता है, वो पेलोपोनिस की उत्तर पश्चिम में एक एलिस नाम का नगर है। उसी एलिस नाम के नगर में एक मनोरम पवित्र घाटी है। उसी मनोरम पवित्र घाटी में ओलंपिया स्थित है। और देखते हैं तीसरा टॉपिक है जीएस की मूर्ति। ये जीएस की मूर्ति कहाँ पे है? वो जहाँ पे ओलंपिक उत्सव मनाया जाता है ओलंपिया में, उसी ओलंपिया के ठीक मध्य में जीएस की बहुत बड़ी मूर्ति है जो 40 फीट ऊंची है। कितना फीट? 40 फीट ऊंची है और हाथी दांत की बनी हुई है। यह उस समय संसार के 7 आश्चर्यों में से एक थी। तो इतनी बड़ी भीमकाय मंदिर है जो स्वर्ण आभूषणों और आवरणों से ढकी हुई है। तो ध्यान रखनी बात है, रखने योग्य बात है कि यहाँ पे कितनी बड़ी महान विशाल मंदिर थी, तो 40 फीट ऊंची थी। तो कहाँ पे स्थित है? तो ओलंपिया के ठीक मध्य में स्थित है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे जो ओलंपिक में विजयी होता था तो उसको क्या दिया जाता था? जैतून की टहनी दिया जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक भी टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक खेल में जीतने वाले को, विजयी हासिल करने वाले को जैतून की टहनी दिया जाता था, ठीक है ना। विजय प्राप्त करना यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा सम्मान था। अभिजेता अपने देश के वीर नायक बन जाते थे। उनकी कवि लोग उनकी प्रशंसा करते थे, उसकी प्रशंसा में गीत गाया करते थे। मूर्तिकार लोग उनकी शक्ति और सुंदरता को संगमरमर में साकार कर देते थे। यूनान के अलौकिक जीवन का मुख्य उद्देश्य मानसिक तथा शारीरिक पक्षों में एक सारता बनाए रखना था। ओलंपिक खेलों में विजयी रहना उस समय का एक बहुत बड़ा आदर माना जाता था, ठीक है ना, प्राचीन ओलंपिक खेल में। और यहाँ तक कि प्लेटो जैसे महान विद्वान ने भी मल्लयुद्ध प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल में ओलंपिक विजय होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और उसको लोग अलग ही दृष्टि से देखते थे। और नेक्स्ट है, ये ओलंपिक कब से कब तक चला? ये ओलंपिक 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल कितने ओलंपिक हुए? 293 ओलंपिक संपन्न हुए। तो 776 ईसा पूर्व से 394 तक प्राचीन ओलंपिक खेल चला। अब कब तक
कितने ओलंपिक हुए इतने सालों के बाद? 776 ईसा पूर्व से 394 तक में 293 ओलंपिक खेल संपन्न हुए, ठीक है ना? और ऐसे बोले तो कितने सालों तक चला? 1200 वर्षों तक, यानी 12 शताब्दी तक। तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन जाता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब से कब तक चला? तो 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक। तो और ये 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल कितने ओलंपिक संपन्न हुए? तो 293 ओलंपिक संपन्न हुए। अर्थात ये खेल कितने वर्षों तक चला? 1200 वर्षों तक चला, यानी शताब्दी में पूछे तो 12 शताब्दी, ठीक है ना? तो प्राचीन ओलंपिक खेल कब से कब तक चला? 776 से 394 ईस्वी तक, कुल 1200 वर्षों तक चला। और इतने वर्षों में कुल कितने ओलंपिक संपन्न दो हुए? सौ तो तिरानवे दो ओलंपिक सौ संपन्न तिरानवे हुए। नेक्स्ट है ओलंपियाड। ओलंपिक खेलों के बीच 4 वर्ष की अवधि को ओलंपियाड कहते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल भी 4 वर्ष की अवधि के अंतराल पर होता था, उसी अंतराल को ओलंपियाड बोला जाता है। दोस्तों इसमें जो भी टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल में महिलाओं को खेल में भाग लेना वर्जित था। खेल में भाग लेना ही वर्जित नहीं था, वरन जो विवाहित महिलाएं थीं उनको खेल देखने तक के लिए भी वर्जित था। लेकिन कालांतर में ये हुआ कि इस नियम को एक महिला ने तोड़ने की हिम्मत की। उस महिला का नाम था फेरानाइस। फेरानाइस नाम की महिला ने अपने पुत्र पीसीडोरस को प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखने के लिए इस नियम को भंग किया। यानी फेरानाइस के पुत्र थे पीसीडोरस, वो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए थे और अपने पुत्र को प्रतियोगिता में भाग लेते हुए देखने के लिए फेरानाइस ने इस नियम को भंग किया और खेल को उसके प्रदर्शन को देखने वहाँ गई। लेकिन इसको माफ़ कर दिया गया, इसलिए क्योंकि ये विजेता की माँ थी, वरना इसके साथ कड़ी से कड़ी सलूकत किया गया होता। लेकिन एक महिला ये थी जो फेरानाइस ने इस नियम को भंग करने का पूर्ण प्रयास किया और सफल भी हुई। तो यहाँ यदि एग्जाम में डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल में महिलाओं को खेल में देखने और खेल में भाग लेना दोनों वर्जित था, लेकिन उस नियम को किसने भंग किया? तो फेरानाइस नामक महिला ने। दोस्तों यहाँ पे जो खिलाड़ी होते थे ना वो निर्वस्त्र भाग लेते थे। हो सकता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी इसलिए निर्वस्त्र भाग लेते थे, और वहाँ ओलंपिक खेल में विजय प्राप्त करना, उसमें भाग लेना बहुत ही बड़े सम्मान की बात होता था। इसलिए वहाँ पिंडार एक कवि थे जो विजेताओं के सम्मान में कविता गाया करता था। पिंडार नामक कवि क्या करता था? विजेताओं के सम्मान में कविता गाया करता था। और नेक्स्ट है फिडियास। फिडियास एक मूर्तिकार था प्राचीन ओलंपिक खेल में। फिरियास क्या था? एक मूर्तिकार था जिसका क्या काम था? विजेताओं की संगमरमर की मूर्ति बनाया करता था। जो लोग विजेता होते थे उन लोगों को यादगार के रूप में संगमरमर की मूर्तिकार बनाया करता था। नेक्स्ट है डेमित्रा। डेमित्रा वो स्त्री थी जो मंदिर की पुजारिन हुआ करती थी। जो एक ही स्त्री थी जो खेलों में अंदर आ सकती थी ना, वरना किसी भी महिला को खेल देखने और उसमें भाग लेने के वर्जित था। नेक्स्ट है, इस तरह से प्राचीन ओलंपिक खेल बहुत अच्छे से चल रहा था। हर 4 वर्ष के पश्चात एक बहुत बड़ा उत्सव होता था जिसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, और सदियों से चले आ रहे इस ओलंपिक खेल में एक बहुत बड़ा विपदा आ गई। क्या हुआ कि 394 ईस्वी में यूनान पर रोम का अधिकार हुआ।
हो गया और रोम का अधिकार होते ही इस खेल में गतिरोध उत्पन्न हो गया और वहाँ के तत्कालीन रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने 394 ईस्वी में राज आदेश द्वारा प्रतिबंध लगा दिया, यानी ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दिया। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि ओलंपिक खेलों का पतन कब हुआ? तो 394 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया गया पतन? रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम के। 394 में खेल को तो रोक दिया गया रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम के द्वारा। फिर 426 ईस्वी में थियोडोसियस द्वितीय ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया। 394 में तो इसको रोक दिया गया थियोडोसियस प्रथम के द्वारा, बट 326 में थियोडोसियस द्वितीय के आने पर, यानी थियोडोसियस द्वितीय ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया। एक ने रोक दिया और एक ने ध्वस्त करा दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखने पूर्व बात है, थियोडोसियस प्रथम ने 394 में इस खेल को रोक लगा दिया और 426 ईस्वी में थियोडोसियस द्वितीय ने ओलंपिक स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया। इतना ही नहीं हुआ, ये थियोडोसियस प्रथम और द्वितीय ने इसको ध्वस्त तो करा ही दिया, बट प्रकृति ने भी इस पर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया और कालांतर में भूकंप आया और इस जगह को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ समय पश्चात एल्फियस नाम की एक नदी थी और इसमें बाढ़ आ गया और ओलंपिया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, जियस और क्रोनोस के पवित्र मंदिर भी नष्ट हो गए। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने ओलंपिक के आयोजन, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब से शुरू हुआ था, किस देवता के सम्मान में मनाया जाता था, आयोजन स्थल क्या था, जियस की मूर्ति कितनी ऊँची थी और सर्वप्रथम विजेता कौन था, ओलंपियाड किसे कहते हैं और प्राचीन ओलंपिक खेलों का पतन कब हुआ, कैसे हुआ, यहाँ तक मतलब प्राचीन ओलंपिक खेल से शुरुआत से लेकर उसके पतन तक की बात यहाँ तक हमने बताया। और आगे हम बताते हैं कि प्राचीन ओलंपिक प्रतियोगिताओं की योग्यता के नियम क्या थे और खेलों का संचालन कैसे होता था और कितने दिन का खेल उत्सव होता था, इन सब के बारे में चलिए जानते हैं डिटेल में। तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन ओलंपिक प्रतियोगिता के योग्यता के क्या नियम थे। तो वहाँ भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगी जन्म से यूनानी होना चाहिए और एमेच्योर को भागीदारी की इजाज़त होनी चाहिए। और प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व वह 10 माह का प्रशिक्षण लिया हो और अंतिम 1 माह ओलंपिक खेलों के आधिकारिक जजों की देखरेख में व्यतीत किया हो। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व कितने माह का प्रशिक्षण लेना आवश्यक था? तो यहाँ पे आंसर होगा 10 माह का प्रशिक्षण और 1 माह का ओलंपिक खेलों के आधिकारिक जजों की देखरेख में व्यतीत करना होता था, किया हुआ हो 10 माह का प्रशिक्षण प्लस अंतिम 1 माह का ओलंपिक खेलों के जो आधिकारिक जज होते थे उन लोगों की देखरेख में व्यतीत किया हो, तभी वो प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग ले सकता था। तो ये मान्यताएं थी। तो नेक्स्ट है, अगला हम जानते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का संचालन किस प्रकार होता था। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का संचालन 6 प्रकार से होता था। सबसे पहले असेंबली होती थी, बलि होता था, फिर शपथ ग्रहण होता था, फिर मार्च पास्ट होता था, फिर उद्घाटन समारोह होता था, फिर स्पर्धाएँ होती थी। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। असेंबली में क्या होता था कि खेल प्रारंभ होने के पूर्व सभी प्रतिभागी, उनके प्रशिक्षक और उनके पिता, उनके भाई और जज
काउंसिल हाउस में जियस देवता के मूर्ति के समक्ष सभी लोग एकत्र होते थे। उसके बाद बलि दिया जाता था। दूसरा स्टेप क्या था? बलि। बलि में यूनानी देवता जियस को एक सुअर की बलि देते थे, ठीक है ना। और फिर तीसरे स्टेप में शपथ ग्रहण होता था। शपथ ग्रहण में प्रतिभागी ये शपथ लेते थे कि वे किसी गलत साधन का प्रयोग कर विजय हासिल नहीं करेंगे, और यह भी शपथ लेते थे कि ओलंपिक नियमों व प्रावधानों के तहत उन्होंने 10 माह का प्रशिक्षण लिया है। इसके पश्चात ओलंपिक जज भी यह शपथ लेता था कि वे निर्णय देते समय ईमानदारी का और निष्पक्षता के साथ निर्णय देंगे। उसके बाद मार्च पास्ट होता था। मार्च पास्ट में बिगुल वादक होता था। सभी खिलाड़ी व अधिकारी मार्च पास्ट में भाग लेते थे। मार्च पास्ट के समक्ष जैसे ही किसी प्रतिभागी को उद्घोषक के सामने यानी दर्शकों के सामने से गुजरना पड़ता था, तो वह उस प्रतिभागी का नाम, उसके पिता का नाम और उसके शहर का नाम लेता था और सभी को पूछता था कि क्या उसके विरुद्ध किसी को कोई ऐतराज है। तो दर्शकों की चुप्पी से यह समझ लिया जाता था कि प्रतिभागी के लिए अनापत्ति का प्रमाण पत्र मान लिया जाता था। उसके बाद उद्घाटन समारोह होता था। उद्घाटन समारोह की घोषणा उद्घोषक करता था और निर्णायक मंडल का मुखिया या कुछ अन्य विशिष्ट हस्तियां प्रतिभागियों को संबोधित करती, और इसके बाद मुकाबले शुरू हो जाते थे और पवित्र अग्नि बिना किसी व्यवधान के जियस देवता के सामने सम्मान में जलती रहती थी। यानी कि जो पवित्र अग्नि थी पूरे खेल के दौरान बिना किसी अवधान के जियस देवता के सामने पवित्र अग्नि जलती रहती थी। इसके बाद स्पर्धाएँ शुरू होती थी। इन स्पर्धाओं में प्राचीन ओलंपिक खेलों में दौड़ ही एकमात्र स्पर्धा होती थी और यह एक ही दिन में संपन्न हो जाती थी। लेकिन बाद में पैदल दौड़, सद्भावना दौड़, घुड़दौड़, पेंटाथलान में रनिंग, लंबी कूद, चक्का फेंक, जेवलिन थ्रो और कुश्ती ये सब शामिल थे, और कुश्ती मुक्केबाजी आदि स्पर्धाओं को शामिल किया गया। और अधिक स्पर्धाएं होने के कारण खेलों की अवधि को बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया। तो 5 दिन में क्या क्या होता था तो जानते हैं। पहले दिन धार्मिक बलि दिया जाता था और शपथ ग्रहण होता था। पहले दिन धार्मिक बलि और शपथ ग्रहण होता था और इस दिन कोई भी स्पर्धा नहीं होती थी। फिर दूसरे दिन मार्च पास्ट होता था। खिलाड़ियों का दर्शकों से परिचय कराया जाता था। खेलों का उद्घाटन होता था। फिर पहले पहल सद्भावना दौड़, घुड़दौड़ और पेंटाथलान आदि इसमें प्रधान स्पर्धाएँ होती थी। फिर तीसरे दिन क्या होता था? तीसरे दिन आधिकारिक रूप से प्रातःकाल यूनानी देवताओं को 100 गाय बैलों की बलि दी जाती थी, ठीक ना। यूनानी देवता को तीसरे दिन क्या होता था? 100 गाय बैलों की क्या दिया जाता था? बलि दिया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद दोपहर बाद लड़कों के लिए पैदल दौड़, कुश्ती और मुक्केबाजी आयोजित किया जाता था तीसरा दिन। चौथे दिन क्या होता था? एथलेटिक खेलें पुरुषों के लिए सुरक्षित रहती थी, जिसमें पैदल दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिता होती थी और बख्तरबंद दौड़ होता था। पाँचवें दिन कुछ नहीं होता था। पांचवा दिन पर्व व उल्लास के रूप में मनाया जाता था। तो दोस्तों ये था 5 दिन प्राचीन ओलंपिक खेल का उत्सव अलग अलग रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट है हेरा का उत्सव। प्राचीन ओलंपिक खेल में हेरा का उत्सव होता था, जिसमें महिलाएं जो होती थी वो यूनानी देवता जियस की पत्नी का क्या नाम था? हेरा। और जियस की पत्नी हेरा के सम्मान में हेरा का उत्सव मनाती थी। इस महोत्सव में महिलाओं के लिए एथलेटिक स्पर्धाएं होती थी और बाद में सद्भावना दौड़ में भी हिस्सा लेने की इन लोगों को अनुमति महिलाओं को दे दिया गया। दोस्तों ये हेरा का उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्यों मनाया जाता था हेरा का उत्सव? महिलाओं द्वारा मनाया जाता था और जीएस की पत्नी हेरा के सम्मान में मनाया जाता था।
तो दोस्तों ये था प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में, हर टॉपिक के बारे में फुल डिटेल में। पहले मैं डिटेल में समझा रही हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगी जिससे ये पता चलेगा कि आपने कहाँ तक समझा है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से हर टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो में आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में फुल डिटेल में बात करूँगी, IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में पूरा बात करूँगी, तो उन सब के क्वेश्चन आंसर के बारे में सीरीज भी लाऊंगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक अवश्य ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।